This is Kapil Talreja here, a cost accountant by profession and an educator at HGPA. आज हम एक important concept लेने वाले हैं जहाँ पर बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना लें इस concept पर, that is the on sales on cost concept. ठीक है, normally ये percentage है, आप लोग actual में schooling से ये सीखते आ रहे हैं, college में भी हुआ है आपका, but still एक बार और ये concept हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा depth में और थोड़ा shortcut में. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि 100 रुपए की चीज, अगर 100 रुपीज की अगर कोई पर्टिकुलर चीज है 100 रुपीज की, आपने उस पर प्लस 100 रुपीज प्रॉफिट लगाया, ठीक है, तो आपने सेल कितने में किया? 200 में. 100 रुपए की चीज थी, आपने 100 रुपए प्रॉफिट जोड़ा अपना और बेच दी आपने 200 रुपए में. क्या आप मुझे बता सकते हो आपने 100% कमाया या 50% कमाया? थिंक, आपने 100% कमाया या 50% कमाया? तो आप बोलोगे सर मैंने 100% कमाया, तो आप बोलोगे ये 100 पे मैंने 100 कमाया मतलब 100% हो गया. क्या सिर्फ यही तरीका है इसको देखने का? नहीं, एक और तरीका है. क्या मैं ये बोल सकता हूं मैंने सेल किया 200 पे मतलब मैंने 50% कमाया, 200 का 50% इज 100, राइट? दैट मींस एक ही प्रॉब्लम है, देयर आर टू परसेंटेजेस. फर्स्ट इज द कॉस्ट ऑन कॉस्ट एंड द सेकंड इज ऑन सेल्स. देयर इज ऑन कॉस्ट एंड देयर इज ऑन सेल्स. कॉस्ट पे अगर मैं पकड़ूं तो 100% कमाया मैंने, लेकिन यही चीज अगर मैं सेल्स पे बोलूं तो मैंने 50% कमाया. ये सेम अमाउंट आ रहा है 100 रुपीज. That means एक प्रॉब्लम में there are two percentages जो ऑन कॉस्ट और ऑन सेल्स हैं. तो इन शॉर्ट मैं आपको सबसे पहले थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस लूंगा और इसके शॉर्टकट ट्रिक्स देने की कोशिश करूंगा, और अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स समझ में आ जाते हैं तो आपको आगे फाइनल लेवल्स तक बहुत काम आने वाला है, या फिर अगर आपके रेगुलर भी क्वेश्चंस हैं तो हर कोर्स में ये कंसेप्ट काम आने वाला है. ठीक है, तो प्लीज ध्यान से रखिए. तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि आपका बेस सेम रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपका कॉस्ट 10,000 है, कॉस्ट 10,000 है और आपका प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन कॉस्ट है, तो क्या ये बेस और ये बेस सेम है? तो बोलोगे सर बराबर, ये भी कॉस्ट है वो भी कॉस्ट है, तो कैन आई डायरेक्टली अप्लाई द रूल 20%? यस, वी कैन अप्लाई. तो मैं क्या करूंगा यहां पे, मैं बोलूंगा सर कॉस्ट है 10,000, प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ दैट, 20% मतलब 2000, तो सेल कितने में हो गया, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होगा तो सेल्स हो जाएगा 12,000. सिंपल, फर्स्ट पॉइंट एकदम सिंपल क्वेश्चन. ओके, शॉर्ट. नेक्स्ट है, अगर मैं आपको बोल दूं सेल्स 10,000 है और प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स ही दिया हुआ है, अगेन बेसिस चेक करो, ये सेल्स है ये भी सेल्स है, क्या ये बेसिस दोनों सेम है? तो आप बोलोगे यस, तो कैन आई अप्लाई द परसेंटेज डायरेक्टली? यस. तो यहां पे सेल्स अगर 10,000 है तो प्रॉफिट कितना है, तो कैन आई से डायरेक्टली 2000, 20% ऑफ दैट. सेल्स में से प्रॉफिट ऐड होगा तो कॉस्ट आएगा, या सेल्स में से प्रॉफिट लेस होगा तो कॉस्ट आएगा? तो ऑब्वियसली सेल्स में से प्रॉफिट लेस होगा तो आपका कॉस्ट आएगा 8,000. इज द पॉइंट क्लियर? तो आपका कॉस्ट आएगा 8,000. अब ये मैंने एकदम रेगुलर बेसिक क्वेश्चंस लिए, तो इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, थोड़ा और आगे. तो आगे क्या लेके जाएंगे, तो द कंसेप्ट इज अगर मेरे पास यहाँ कॉस्ट है 10,000 लेकिन मेरा प्रॉफिट यहाँ दिया है उन्होंने, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स. अब प्रॉब्लम हो गई, ये कॉस्ट है ये सेल्स है, क्या बेसिस सेम है यहाँ पे? सो द आंसर इज नो. तो क्या मैं 10,000 का डायरेक्ट 20% निकाल सकता हूं क्या? नो, कॉस्ट दिया है 10,000, 20% ऑन सेल्स दिया है, हाउ कैन आई मैनेज इट? तो उसको बेस एक पे लेके जाना पड़ता है. तो नॉर्मली अब तक जो आपने सीखा था, जो सही भी सीखा था, गलत नहीं है, अब तक आपने सीखा था कि किसी एक को 100 अज्यूम करो, तो 100 किसको अज्यूम करो? परसेंटेज जिस पे दिया है उसको 100 अज्यूम करो. जिस पे परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज किस पे दिया है? ऑन सेल्स पे दिया है क्या? तो मैं बोलूंगा सेल्स अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना, 20% मतलब 20, तो हाउ मच इज कॉस्ट, 80.
तो अगर कॉस्ट 10,000 है, ये 10,000 है, तो सेल्स कितना? तो इट गोज टू 10,000 इनटू 100 डिवाइड बाय 80 व्हिच कम्स टू 12,500 इज माय सेल प्राइस। तो आप ये नहीं बोल सकते सर 10,000 में डायरेक्ट 20 टक्का जोड़ दो 12,000 आ गया, आंसर आ गया। गलत, कॉस्ट दिया है और प्रॉफिट मार्जिन सेल पे दिया है, तो वी कैन नॉट कंपेयर डायरेक्टली, वी हैव टू टेक अ 100 एज बेस। 100 किसको लेना है? तो जिस पे परसेंटेज दिया उसको 100 लो। इससे आंसर बहुत सिंपलीफाइड है, ऐसा जरूरी रूल नहीं है ऐसे ही बनाना है, बट इससे आंसर बहुत सिंपलीफाइड आता है। क्लियर? इसको एक दूसरे क्वेश्चन पे लेके जाता है। अगर मैं आपको बोल दूं सेल्स 100 है, सॉरी 10,000 है, और प्रॉफिट दिया है 20% ऑन कॉस्ट, तो क्या बेसिस सेम है क्या? या फिर इसको थोड़ा चेंज कर देना, 25% कर देना, इजी थोड़ा आंसर इजी लाने के लिए। 25% ऑन कॉस्ट, नाउ टेल मी सेल है और यहां कॉस्ट है, क्या बेसिस सेम है? नो, हम डायरेक्ट 25% लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, बिकॉज द परसेंटेज द बेसिस आर नॉट सेम, एंड देयरफॉर वी नीड टू शिफ्ट, हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगेन 100 का बेस लेके कॉस्ट परसेंटेज किस पे दिया है? कॉस्ट पे, तो कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट 25 दिया है, 25%, तो व्हाट इज द सेल प्राइस? 125, बिकॉज कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होगा। तो अगर सेल 10,000 है, तो सेल के सामने 10,000, तो हाउ मच इज द कॉस्ट? मैंने सेल के सामने क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने सेल दिया था। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 10,000 इनटू 100 डिवाइड बाय 125 व्हिच गिव्स मी 8,000, प्लीज चेक 8,000 आ रहे। तो बेसिकली मैंने आपको चार पॉइंट्स दे दिए हैं, यहां पे दोनों का बेस सेम है, डायरेक्टली कैलकुलेट करो, सेल्स है डायरेक्टली कैलकुलेट करो, कॉस्ट है और ऑन सेल्स है, तो यू हैव टू टेक 100, किसी एक को 100 ले लो और फिर आपको आंसर आएगा। बट क्या इससे ज्यादा शॉर्टकट तरीका है? इससे ज्यादा शॉर्टकट सर, आंसर इज यस। इससे ज्यादा जो शॉर्टकट आंसर है वो हर केस में आप एकदम अभी नहीं समझ पाओगे, बट हाँ मैक्सिमम केसेस जो 20-25% है, 33.33% है, उसमें आप बहुत इजीली समझ जाओगे, वो हमारे लिए स्टैंडर्ड रूल्स की तरह काम करेंगे, स्टैंडर्ड रूल्स की तरह। तो अब जो मैं लिख रहा हूँ फिलहाल आपके लिए वो टफ लगेगा, बट वंस यू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट, आप बोलोगे सर ये तो करना ही नहीं है हमने, वही करना है हमेशा, और वो सबसे ज़्यादा ईजी मैथड है। ये मेथड आपको आपके सेल ऑन अप्रूवल में, आपको रेक्टिफिकेशन में, आपको फाइनल अकाउंट्स में, आपको कंसाइनमेंट में, या फिर आगे आपके जितने भी आप चैप्टर्स और पढ़ने वाले हैं जो आपके आगे के लेवल्स में, उसमें हर एक में काम आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं इसके शॉर्टकट क्या है। तो शॉर्टकट ये है, ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स 1/2, हाफ 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1/5, 1/6 and so on, 1/6, 1/7, 1/7, 1/8, 1/8, 1/9 and so on, चलता रहेगा, 1/10, 1/11 चलता रहेगा। Now what is this? सर ये आपने क्या बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर वाला इजी था, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये बहुत सिंपल पार्ट है। चेक, हाउ मच इज हाफ? हाफ मतलब 50%। अगेन मैं बोलूंगा हाफ इज 50%, तो 1/3 मतलब क्या? 33.133%, मतलब 33 1/3%, 33.33%। 1/4 इज 25%, 1/4 कैसे? 1/4 × 100, 25%। तो 1/4 को अगर मैं 25% बोल रहा हूँ, तो 1/5 को क्या बोलूँ? 1/5 को, तो 1/5 × 100, दिस विल मी 20%। 1/6 मतलब 16.66, विच कम्स टू 16 2/3%। अब ये थोड़ा टफ है बट ठीक है, 16.6 कितना होता है? 1/6 × 100, 16.66, मतलब 16 2/3%। क्लियर? 1 मतलब क्या? 100%। अब मैंने क्या बताया? मैंने आपको कन्वर्जन रेशियोज बताया कि ये स्टैंडर्ड रूल्स हैं। अगर आपके पास 20% या 25% आता है, तो आप ऑन सेल से ऑन कॉस्ट पे तुरंत जा सकते हो, इमीडिएटली ये रेशियोज यूज कर सकते हो, ये रेशियोज यूज करके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ 25% ऑन सेल्स है, 25% ऑन सेल्स, तो ये 1/4 ऑन सेल्स, मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ 1/3 ऑन कॉस्ट निकालो, आंसर सेम आएगा। सर आपने क्या बोला अभी नहीं समझा, कोई बात नहीं, आ जाओ फॉर एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल पर आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? पहला क्वेश्चन था हमारा कॉस्ट है 10,000 और 20% ऑन कॉस्ट दिया है, क्या बेसिस सेम है? हाँ, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हाँ चलो छोड़ दो, इज डायरेक्ट निकाल सकते, फिर क्या प्रॉब्लम है?
सेल्स 10,000 है, पॉजिटिव सेल्स भी दिया, डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगेन छोड़ दो, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर प्रॉब्लम आई ये केस में, कॉस्ट कितना था 10,000, 20% ऑन सेल्स दिया है, बेसिस सेम है क्या? नहीं, मतलब या तो आप 100 लेके करो जो अभी के लिए आपको इजी लगेगा, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है? कन्वर्जन रेशियोस। कन्वर्जन क्या है? चेक, 20% ऑन सेल्स, 20% को क्या लिख सकते हो 1/4 1/5 के टर्म्स में, 1/5 लिखूं क्या? 1/5 ऑन सेल्स इज 1/4 ऑन कॉस्ट, अभी हमने पढ़ा, आगे नीचे चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं एक बार, ये देखो लिखा है क्या यहां पे, 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स, मतलब 20% ऑन सेल्स इज 25% ऑन कॉस्ट, ये सीखा है हमने, तो चेक करो अगर आंसर वही आ रहा है तो हमने जो पढ़ा वो बिल्कुल सही है, राइट? चेक, मैंने अभी ये लिखा, अभी मैंने ये लिखा, 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स, ये हमने अभी लिखा, राइट? चेक करते हैं, तो क्या 1/4 पे डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूं क्या मैं? हाँ, ये कॉस्ट है, हाँ ये भी कॉस्ट है क्या? बिल्कुल है, तो 1/4 ऑन कॉस्ट निकालो डायरेक्टली, 10,000 का 1/4 कितना आ रहा है? 2,500 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो कॉस्ट में 2,500 अगर मैं ऐड करूंगा तो सेल कितना हो गया? 12,500, वही आएगा, चेक करो, बिल्कुल आया, दूसरा चेक करते हैं, ठीक है, सेल्स 10,000 था, प्रॉफिट था 25% ऑन कॉस्ट, बेसिस सेम है क्या? नहीं, क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, 25% ऑन कॉस्ट मतलब कितना? 1/4, तो 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स, तो क्या 1/5 डायरेक्टली सेल का निकाल लें क्या? बिल्कुल निकाल लो, 10,000 का 1/5 कितना होता है? 2,000, यस, 10,000 में से सेल में से प्रॉफिट 2,000 गया, तो कॉस्ट कितना बचा? 8,000 बचा गया, यस। सो बेसिकली ये कन्वर्जन रेशियो था, राइट? अब बोलोगे सर अभी 30% आया तो क्या? 30% नहीं चलता, ये 30% भी यही करना पड़ता है 100 लेके, राइट? तो स्टैंडर्ड क्या है हमारे? तो स्टैंडर्ड है ये 1/2, 1/3, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो स्टैंडर्ड रूल्स क्या है? 100%, 50%, 33/1/3, 25, 20 एंड 16/2/3, नॉर्मली वो इसके अंदर खेलते हैं, ये तीन में खेलते हैं नॉर्मली, नॉर्मल टर्म्स में ये तीनों में खत्म कर देते हैं, बट अगर इन तीनों के अलावा कोई और परसेंटेज देते हैं जैसे 40%, 42%, तो एट दैट टाइम यू हैव टू टेक इट 100। तो मैंने 100 का कंसेप्ट भी आपको सिखा दिया पहले, ठीक है? एक आधा एग्जाम्पल और करते हैं, सपोज मैं आपको बोलूँ कि मेरा कॉस्ट है 60,000 और मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 20%, या फिर इसको चेंज करते हैं 25 कर देते हैं इस बार, 25% ऑन सेल्स, क्या ये बेसिस सेम है? चेक, ये कॉस्ट ये सेल्स बेसिस सेम नहीं है, कैन कन्वर्ट कर सकते हैं, सोचो 25% ऑन सेल्स मतलब 1/4 ऑन सेल्स होता है क्या? बिल्कुल होता है 1/4 ऑन सेल्स, तो 1/4 ऑन सेल्स को अगर मैं कॉस्ट पे करूँ तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा 1/3 ऑन कॉस्ट, तो क्या मैं इसका 1/3 निकालूंगा डायरेक्टली? निकाल लो, 60,000 का 1/3 कितना होता है? 20,000, हाँ तो 20,000 आ गया, ये क्या हो गया? प्रॉफिट, सेल कितना हो गया? 80,000। अब वो बोलोगे सर हम तो मानते नहीं, ये गलत है, हमारा पहले वाला मेथड से करके बताओ, तो चलो पहले वाला मेथड से करेंगे, ऑन सेल्स बोला है, ऑन सेल्स बोला मतलब सेल्स 100 पकड़ेंगे, यस, तो सेल्स अगर 100 है प्रॉफिट कितना? 25, कॉस्ट कितना 75 माइनस करेंगे तो 75 अगर 60,000 है तो सेल प्राइस कितना? चेक, तो आप चेक करेंगे तो 60,000 इंटू 75 डिवाइड बाई 100 विच कम्स टू 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 75 विच कम्स टू 80,000। आप चेक करके देख लो ये आंसर आया, अभी भी सर हमको ये इजी लग रहा है, अभी लग रहा होगा नया नया सीखा है ना अभी, परसेंटेज वाला कन्वर्जन वाला थोड़ा टाइम लगता है स्वैप करने में, एक लास्ट प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर, एंड अगर ये कंसेप्ट समझ में आता है तो ये बहुत सिंपल काम करेगा आपके आगे। चेक करते हैं, अगर मैंने आपको सेल्स दे दिया, सेल से मेरा 2 लाख रुपए, अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन देता हूँ आपको 25% ऑन कॉस्ट, तो क्या हम 25% डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? 2 लाख का 25%, नो, ये सेल्स है ये कॉस्ट है, तो क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन, तो 25% को क्या बोल सकते हैं? 1/4, 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स, सीधे सीधे 1/5 निकालो इसका, 1/5 कितना होता है? 2 लाख का 1/5 इज 40,000, अब मुझे बताओ 40,000 तो प्रॉफिट आ गया आपका,
तो सेल्स में से प्रॉफिट ऐड होगा या लेस होगा, तो आप बोलोगे सर लेस होगा, तो कॉस्ट कितना 1,60,000। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्लियर पॉइंट? ओके देन, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। कंसाइनमेंट से अगर आप इसको रिलेट करोगे तो नॉर्मली इट इज कॉस्ट एंड आईपी, तो आप यही रूल्स आईपी में फॉलो कर सकते हो, मतलब कॉस्ट और आईपी के रूल्स। आईपी को ही आप सेल प्राइस मान लो, तो इस पे भी ये रूल बिल्कुल फॉलो करेगा। सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए एक बार ये प्लीज फिर से वीडियो देख चेक करो, ये जितने हमने प्रॉब्लम्स किए एक बार करके देखें फिर से, बिल्कुल आएगा आंसर। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।